शिवपाल सिंह यादव के जन्मदिन पर जहां एक बार फिर अखिलेश और शिवपाल गुट के बीच की कलह देखने को मिली, तो वहीं शिवपाल के बर्थडे को खास बनाने के लिए इटावा में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास ने भी शिरकत की, जिन्होंने चुन चुन कर केजरीवाल और अखिलेश पर तानों के तीर चलाए। कुमार जब कविताएं पढ़ रहे थे तो मंच पर शिवपाल यादव मौजूद थे और सामने बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुन रहे थे। इस दौरान एक बार फिर पार्टी में हुई अनदेखी से उनका दर्द छलका। उन्होंने कहा कि मैं और शिवपाल जी अपनी अपनी पार्टी के अडवाणी हो गए हैं। इससे आगे उन्होंने कहा कि हम दोनों सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने के काम आते हैं। हमारे युवा पहलवान नरसिंह बैठे हैं, आपके दांव पे देखता रहा हूं मैं। मुझे भी वक्त पे सिखा देते तो पिछले दिनों कुश्ती हुई थी, मेरे काम आती। मेरी तबीयत खराब है, गला भी खराब है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप मुझे तबीयत में ठीक कर देंगे। आप चाहेंगे तो कर देंगे, क्योंकि हम कवियों के लिए कैसे ठीक होने की कला है वो आपको पता है, कैसे करते हैं। हम और शिवपाल जी दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के अडवाणी हैं। हम केवल मुख्यमंत्री बनाने के काम आते हैं। पंजीरी बटने के टाइम पे मुख्यमंत्री मना कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद परिणाम क्या होता है, आपके वाले ज्यादा पहले समझ गए, हमारा वाला दो साल बाद समझ जाएगा। आनंद लीजिए, कोई और मजा ले इससे पहले खुद ही ले लो। अपने जन्मदिन के मौके पर शिवपाल यादव ने पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर कहा कि वो सपा में है और जो मुलायम सिंह कहेंगे वो करेंगे।